रोमेटेड आर्थराइटिस, जिसमें छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड होती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ के बाद में चल के इसमें स्टिफनेस हो जाती है और पेशेंट को कोई भी चीज़ उठाने के लिए या खाने के लिए भी नहीं होता। यानी ये जो जॉइंट्स होते हैं इसके अंदर जो है ये धीरे धीरे घूमना शुरू कर देती है इस तरीके से स्टिफ होके। तो कई पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनका हाथ ऐसे हो जाते हैं और पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें भी जो है पैरों की उंगलियां भी इस तरीके से हो जाते हैं और ज़बरदस्त दर्द होता है। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि घुटने में भी होता है। ये जो है साइनोवियल फ्लूइड के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। यूनानी मेडिसिन के अंदर अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इलाज करोगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, मगर कुछ टिप्स मैं आज बता रहा हूँ कि इसके खानों में अगर आपने ये चीज़ें अपने इस्तेमाल कर ली तो काफ़ी हद तक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि इंसुलिन की मकदार को हमारे ब्लड में कभी भी नॉर्मल रखना, मिसाल के तौर पर हमारे ग़िज़ा में यानी फूड के अंदर चीनी का इस्तेमाल यानी शुगर का इस्तेमाल कम कर दें या ना करें, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाएंगी इतना जॉइंट्स में पेन होगा। इसके अलावा जो मसाले हैं हमारे जो वो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो खुद भी यूनानी हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है, लहसुन, काली मिर्ची, ये सारे चीज़ें भी जो है यूनानी दवाई है जो हमारे किचन में रहते हैं वो खाने में आप इस्तेमाल करें। हमारे पास जो पोटाशियम के जो बहुत ज़्यादा पोटाशियम जिसके अंदर रहता है, जिंक जिसके अंदर ज़्यादा रहता है, जैसा बनाना है और इसी तरीके से अपना ऑरेंज, इसका जो है इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें और समुद्री जो मच्छियां वगैरह जो होते हैं उसमें और कई किस्म के जो नट्स, बादाम वगैरह, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो है रोज़ा रखें, यानी फास्टिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। फास्टिंग करने से लोग समझते हैं कि कमज़ोर होते हैं, मगर फास्टिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मैं कभी और एक वीडियो में निकालूंगा। इसके अलावा कपिंग करें, कपिंग जो ड्राई कपिंग जो होता है बहुत फ़ायदा करता है, और पानी से इलाज जिसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। तो खाने के अंदर जो है कॉड लिवर ऑयल का भी इस्तेमाल करें, इससे जो है रोमेटेड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जॉइंट्स पेन की तो इंशाल्लाह ताला जो है आप हमारे पास कंसल्ट करके भी कुछ चीज़ें बाकायदा ट्रीटमेंट कर सकते हैं।